आज मैं बात करूंगी ज्योति सेठी की तो जिसको ज्योति सेठी के बारे में नहीं पता मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ तो ज्योति सेठी एक टीवी एक्ट्रेस है और उसने 2015 में एक तेलुगू मूवी की थी और उसके बाद वो छोटे मोटे बॉलीवुड में छोटे मोटे रोल करती थी या कोई एड वगैरह करती थी एंड देन उसको मिला कमल राणा और कमल राणा के साथ ये इसका अफेयर स्टार्ट हुआ और इसने बॉलीवुड छोड़ दिया और कमल के साथ ये इन में रहने लगी तो इस ये बिलोंग करती थी पंजाब से और इसके पेरेंट्स इसके अगेंस्ट थे मूवीज में आने के लिए इसका एक भाई है और भाई के साथ पेरेंट्स रहते थे और एक्चुअली इस ये अभी बेसिकली व्लॉग्स बनाती है तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स बनाती है और मैंने बाई चांस इसका एक आध कोई ब्लॉग मेरी फीड में आया होगा मैंने देखा था तो मैं बीच बीच में देखती रहती थी तो इसलिए मुझे इसकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में पता है तो जब ये बंदी ब्लॉग्स बनाती थी तो उसने बताया था कि ये मेरा एक्सपीरियंस है पुराना मैं पहले बॉम्बे में आई थी मैं मूवीज़ करती थी छोटी मोटी फिर मुझे रोल्स नहीं मिलते थे कास्टिंग काउच का ये वो सीन और मतलब चैलेंजेस जो होते हैं एंड देन शी स्टार्टेड लिविंग विद कमल कमल भी ऐसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर था जो छोटे-मोटे रोल्स करता था तो इनका ठीक चल रहा था एंड देन बट पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया फर्स्ट फिल्म में आने के लिए और उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ फिर लिव इन में रहने के लिए ऑब्वियसली नोबडी वुड अलाउ तो फिर झगड़े हुए फिर रिलेशन uh, उनके खराब हुए भाई से मां-बाप से और जो कमल की मम्मी है उससे भी मतलब वो भी इनकी शादी में नहीं आई थी जब उसने अपनी शादी के वीडियो दिखाए थे बाद में कि घर में इन्होंने शादी कर ली बाद में थोड़े टाइम लिव इन में रहने के बाद तो इसकी शादी में कोई भी नहीं आया था ना इसके माँ बाप की तरफ से आए थे ना इसके ससुराल की तरफ से कोई आया था और शादी के काफी टाइम बाद ये अपने सास ससुर के पास गए होंगे तो उन्होंने ऑब्वियसली अब इतना टाइम हो जाता तो बेटा है तो एक्सेप्ट तो कर ही लेते हैं फिर आते जाते रहते थे और ये माँ के घर भी जाती थी लेकिन कभी दिखाती नहीं थी माँ को या भाई भाभी को बहुत टाइम बाद इसे दिखाना शुरू किया तो शायद फादर की डेथ हो गई बट बीच, बीच में फादर की डेथ हो गई थी फिर उसकी माँ को कैंसर वैंसर हो गया था लास्ट में एक डेढ़ साल पहले आई थिंक और फिर उसकी मदर की डेथ भी हो गई तो जब मदर की डेथ हो गई तो इसके भाई से रिलेशन काफी खराब हो चुके थे और बात भी नहीं होती थी

होते थे मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह पे बेस्ड थे फिर ये अपनी चीजें दिखाती रहती थी कुछ शॉपिंग शॉपिंग की कहीं ट्रैवलिंग की वो सब दिखाती थी तो बीच में इसका आ, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए एंड्रोमेट्रोसिस वगैरह और इसका कुछ एक मिसकैरेज वगैरह हुआ विच वॉज अगेन वेरी पेनफुल तो चल रहा था बट इसने स्लो डाउन भी किया वर्क शिवर स्ट्रगलिंग विद हेल्थ उसके बारे में बात करती थी तो बीच में क्या हुआ कि इसका एक वीडियो आया जिसमें इसने कहा कि दे हैव स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली सो बेसिकली ज्योति एंड कमल हैव स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली ये इसका वीडियो का टाइटल था और तो वो बता रही थी तो मुझे लगा क्लिक बेट है किसने टाइटल ऐसा डाला है बट अल्टीमेटली स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली मीन्स काम की वजह से वो बोल रही थी कि काम उसका वहां पे है तो मैं अपने मेरे को स्पेस चाहिए है जो भी है मैं मूव नहीं हो सकती और वो भी एडजस्ट कर रहा है किसी के साथ रह के तो चलो समझ में आया कि काम की वजह से बंदा गया है तो इसमें इतना भी क्या कि लिविंग सेपरेटली वाली बात है बट वो अगस्त 2023 में था और उसके बाद ये वीडियोस बनाती रही लेकिन इनके बीच में काफी रफ पैचेस आ रहे थे और जो इनके ब्लॉग्स में भी दिख जाते थे और लोग भी कमेंट्स करते थे तो फाइनली आज इसने आजकल में इसने वीडियो बनाया है जिसमें इसने इसका टॉपिक ये था भी नहीं और इसने बाई स्टार्ट कर दिया कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल बिटवीन अस और जैसे होता है ना कई बार लोग बहुत कवर करते हैं कवर करते कवर करते हैं फिर एक पॉइंट पे आता है कि आई डोंट नो गिव अ डैम जो भी है जो भी है जिसको जो सोचना है जो बोलना है बोले एंड आई एम गोइंग टू ओपन अप तो आई थिंक वो उसकी स्टेज आ गई होगी इसने काफी टाइम हाइड किया होगा प्रटेंड किया होगा इन हर ब्लॉग्स इन हर सर्कल दैट एवरीथिंग इज ओके वी आर स्टिल टुगेदर अच्छा उससे पहले आपको एक और बात बता दो जो इसका हस्बैंड है वो एनिमल मूवी में आया था तो उसका हस्बैंड पहले एक स्ट्रगलर था जब तक स्ट्रगलर था तब तक ठीक था लेकिन जब एनिमल मूवी में आया एनिमल इट्स सच ए हाइप इट्स सच ए बिग मूवी तो ऑब्वियसली थोड़ी सी सक्सेस सर पे चढ़ जाती है तो एनिमल मूवी में वो रणबीर कपूर का जो पंजाब से लड़के लेके आए थे उनमें से कजन बना था एक कजन बना था तो वो लोग साथ में रहते थे पूरा कजन का ग्रुप तो रन, इसको अच्छा खासा मतलब फुटेज मिली है मूवी में अब पता नहीं बिकॉज ऑफ सक्सेस चीजें बदल गई हैं बीवी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है या क्या चल रहा है बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट कि इनका काफी रफ पैच चल रहा है रफ पैच चल रहा है मतलब आके बोल रही है तो कुछ ज्यादा ही रफ चल रहा होगा ऑब्वियसली छोटा मोटा लड़ाई झगड़े में तो नहीं होगा और अगस्त ट्वेंटी में अभी देख लीजिए छह महीने हो गए हैं दे हैव स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली और इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है तो मतलब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो शी वॉज लाइक की अभी जो भी होगा देखा जाएगा लाइफ है हम सात आठ साल से साथ थे पहले इलेविन में थे देन वी गॉट मैरिड बहुत सारे स्ट्रगल्स देखी है हमने ऑब्वियसली दोनों स्ट्रगलर्स थे और ये ब्लॉगिंग से ठीक ठाक कमा लेती थी आई I मीन mean, इसके अभी तक वन मिलियन व्यू सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं बट ठीक ठाक व्यूज आ जाते थे तो पैसा तो आ जाता होगा बट इतना भी नहीं आता होगा जितना कि बाकी इब्राहिम्स फैमिली का आ रहा है एंड शी इज क्वाइट हार्ड वर्किंग पर्सन जो भी करती थी सही करती थी और जैसे मैंने बताया कि झूठ नहीं बोलना था इसको मतलब कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करती थी कोई ऐसे अः क्लिक बेट वाले काम नहीं करती थी जो भी रियल होता था वही दिखाती थी और हस्बैंड अब पता नहीं कहाँ पे है मतलब ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा है लेकिन बीच में अब ये सिंगापुर भी गए थे सिंगापुर जाने के बाद भी दो चार ब्लॉग बने इनके उसमें भी कुछ ना कुछ नोकझोंक चल रही थी लड़ाई झगड़ा सा चल रहा था अपसेट uh, थे बहुत बार तो तो दिख रहा था वो तो इसने बोला भी कि सिंगापुर ट्रिप वी है वो काफी टाइम से चल रहा है और बहुत दिन हो चुके हैं इस चीज को तो एंड uh, उसका फैमिली में इसकी साइड से इसकी कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है जो पहले से ही नहीं था तो अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा पेरेंट्स चले गए हैं काफ़ी दुख की बात है भाई भाभी से कोई लेना देना नहीं रह गया इसका और उधर कमल के आई थिंक कमल का एक बड़ा भाई है uh, और पेरेंट्स है पेरेंट्स इसके गुड़गांव या नोएडा में कहीं रहते हैं दिल्ली के पास और ये बॉम्बे में रहते हैं तो पता नहीं आगे क्या होगा इनका बट मैं आपको ऐसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही थी जो इसमें कमल जैसे एनिमल मूवी में पार्टिसिपेट मतलब पार्ट, पार्ट लिया था उसने तो देखिए उसके काफी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा खासा बन चुका है और आई एम श्योर उसको कुछ और बेटर रोल्स मिल भी रहे होंगे तो उसका करियर तो थोड़ा सा लगता है कि शायद आगे जाएगा उसका एक शीश महल करके एक टीवी शो या कुछ आ रहा है उसमें आई थिंक उसको पार्ट मिला है तो होपफुली इसका करियर तो ठीक ठाक चल पड़ेगा बट ज्योति का है मेन कंसर्न कि शी विल बी लेफ्ट अलोन तो आई फील बैड फॉर हर आई होप सब ठीक रहे उसकी लाइफ में भी और इनका पैचअप हो जाए ताकि ये लोग दोनों साथ में रह सके और अच्छे से रह सके बट ज्योति का करियर सिर्फ अभी इस टाइम ब्लॉगिंग ही है तो पता नहीं आगे क्या करने वाली क्या है क्या प्लान्स हैं इनके तो होपफुली सब कुछ ठीक रहे इनकी लाइफ में और uh, we wish them all the happiness and success whatever they choose wherever they want to go in future but i wish them all the best in their life so guys if you like this content please like share and subscribe and have a great day